हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। राम राम सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज कैरियर पावर में हमारा एयरफोर्स का पेपर हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था और हमें किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना था। वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं, तो देरी ना करते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट था, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर फोर वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में चार वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से बेसिकली हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। करेक्टली का मतलब जिसकी स्पेलिंग ठीक हो। ठीक है जी, देखते हैं। फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो लिखा है नेसिटिंग। अब समझने वाली बात है कि नो सीटिंग नाम का वर्ड होता नहीं, हमारा वर्ड होता है नो सीटिंग। वर्ड होता है नो सीटिंग, और ये जो नो सीटिंग वर्ड हमारा आया है, ये है नोसिया वर्ड से, एन ए यू एस ई ए। अभी जो नोसिया वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि वोमिट आने को रहना, मतलब किसी को एक तरह वोमिटिंग होती रहती है, तो फीलिंग्स ही आना उसकी, तो उसको बोलते हैं नोसिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ये तो करेक्टली स्पेल्ट नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। सेकंड जो वर्ड है उसको बोलते हैं एबेरेंस, और ये जो एबेरेंस वर्ड है इसकी स्पेलिंग करेक्ट है बिल्कुल, कोई एरर नहीं इसके अंदर। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो नॉर्मल से डिफरेंट हो। कई बार कहते हैं ना कि अबनॉर्मल, अबनॉर्मल इसका सिनोनिम हो सकता है हमारा। सी वर्ड है मेडिटेशन। देखो कई बच्चों को शायद ये स्पेलिंग ठीक लग रही होगी, लेकिन होता क्या है, जो मेडिटेशन वर्ड हमारा उसमें जो स्पेलिंग होती है वो एम ई डी होती है, बाकी ओके है। मेडिटेशन का सभी को पता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए हम लोग ध्यान लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। डेलिब्रेट जो हमारा वर्ड है इसकी जो स्पेलिंग होती है, इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी इन्होंने, स्पेलिंग होती है डी ई एल आई बी ई, लेकिन इन्होंने बी ए दे दिया, तो हमारा डी ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। सभी को पता जो डेलिब्रेट वर्ड होता है इसका मतलब होता है कोई काम जानबूझ के करना, और इसके लिए एक फ्रेज यूज़ करते हैं हम लोग ओन पर्पज़, अगर किसी को ध्यान में हो तो। ठीक है जी, तो ओन पर्पज़ एक वर्ड होता है, इसका मतलब भी होता है कोई काम इंटेंशनली करना, जानबूझ के करना। तो फर्स्ट आंसर जो हमारा निकला है वो है बी, एबेरेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हम लोगों को कोई एक सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट गिवन होगी और उसको पढ़ के हम लोगों को कोई ऐसा वर्ड ढूंढना कि जो स्टेटमेंट को क्वालिफाई या उसको सेटिस्फाई कर दे जी। तो हमारा वर्ड सेकंड क्वेश्चन है दैट विच कांट बी अवॉइडेड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे। अब हमारे पास चार वर्ड हैं, इनएस्टिमेबल, इनडिफरेंट, इन अवर्टिवेबल। एक्चुअली में जो ये हमारा सी वर्ड है इसमें स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ पे आर नहीं आएगा जी, इनएविटेबल होना चाहिए, क्योंकि आंसर हमारा यही बनेगा इनएविटेबल। इनएविटेबल मींस ऐसी चीज़ जिसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, तो सी ही हमारा आंसर होगा। बाकी एक ही करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जो डी वर्ड हमारा है इनफालिबल, इनफालिबल का मतलब ही होता है नेवर फेलिंग, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो फेल ना हो कोई बंदा। ठीक है जी, या कोई बंदा जो मिस्टेक ना करे उस बंदे को क्या बोलोगे, इनफालिबल। इनडिफरेंट का मतलब होता है सोशल ना हो जी, दूसरों से बात ना करता हो, दूसरों को अवॉइड करता हो, वो बंदा इनडिफरेंट है। इनएस्टिमेबल, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते, तो वो क्या बनेगी, इनएस्टिमेबल बनेगी। बाकी कई बार होता क्या है, जो ये इन प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग, इस इन के दो मीनिंग हो जाते हैं, एक तो मीनिंग हो जाता है नो और एक मीनिंग होता है इनसाइट, तो हमें वो सेंटेंस या सॉरी वर्ड्स को देखकर पता लगेगा कि हम लोगों को मीनिंग कौन सा लेना है। बाकी दो ही मीनिंग होते हैं इसके, तो इन सभी में जो इन लिखा है हम लोगों ने प्रीफिक्स, इसका मतलब नो ही है जी। ठीक है जी, तो सी हमारा आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग इन स्लिप, मतलब ऐसा कोई बंदा जो स्लिप में वॉक करता हो उसको देखते हैं क्या बोलेंगे। जो फर्स्ट वर्ड हमारा है स्लीपी हेड। अब जो वर्ड स्लीपी हेड हमारा आया, स्लीपी हेड का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जो सोया हुआ हो, स्लीपी, स्लीपी को ही हम लोग स्लीपी हेड बोलते हैं। ठीक है जी, फिर हमारा बी है सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का मतलब जो होता है वो ड्राउजीनेस होता है,
कई बार होता है ना कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं और हमें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है, तो जो फीलिंग है ड्राउजीनेस है उसको बोलते हैं सोमनोलेंस। तो ये भी आंसर नहीं हमारा, ना ही फर्स्ट है ना ही सेकेंड है। सी है इंसोमनिया। इंसोमनिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है आप सो ना पाना, अनिद्रा जिसको बोलते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप। तो ये भी आंसर नहीं है। डी एक्चुअली में हमारा आंसर बनेगा सोमनो एम्बुलिज्म। अब देखो इसके अंदर दो वर्ड आए हैं, जब एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी वोकैबुलरी का जो पार्ट होता है इंग्लिश के अंदर वो लर्नेबल पार्ट होता है। लर्नेबल का मतलब हो गया टीचर इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, इसके अंदर आपको थोड़े से एफर्ट खुद लगाने पड़ेंगे, क्योंकि टीचर भी तो क्या करता है, वो वर्ड का मीनिंग ही बताता है और वो मीनिंग आप घर पे भी कर सकते हो। होता क्या है, थोड़ी बहुत उसके अंदर वर्ड फॉर्मेशन में टीचर हेल्प कर सकता है आपकी, कि वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे वो वर्ड बना, तो वही हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो सोमना वर्ड हमारा है इसका मतलब होता है स्लीप, स्लीप होते हैं। और जो एम्बुल वर्ड है, एम्बुल आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस का मतलब टू ट्रैवल, ठीक है, टू मूव, एम्बुल का मतलब टू मूव। तो स्लीप में मूव करना ही हमारा आंसर क्या था, वॉकिंग इन स्लीप। तो ऐसे भी हम लोग वर्ड्स को पहचान सकते हैं रूट वर्ड से। तो हाँ, रूट वर्ड्स में टीचर हेल्प कर सकता है। बाकी ग्रामर और वकैब दो जो पार्ट होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर जो इंग्लिश हमारा होता है वो होता है टीचेबल। टीचेबल मीन्स उसमें टीचर आपकी हेल्प करेगा अच्छे तरीके से, लेकिन जो वकैब वाला पार्ट होता है उसके अंदर टीचर अच्छे तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आपको वर्ड्स के मीनिंग बताएगा, वो आप खुद भी कर सकते हो, और इसमें एफर्ट स्टूडेंट के ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टीचर, ठीक है जी। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ही लर्न द लेसन विद ग्रेट केयर, जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है कि उसने लेसन को ग्रेट केयर से सीखा। अब देखो एक्चुअल में फंडा क्या है, जो विद ग्रेट केयर हमें यहाँ पे फ्रेज को रिप्लेस करना है, ठीक है जी। अब सेंटेंस ये सही है, विद ग्रेट केयर ओके है, विद केयर भी ओके है यहाँ पे हमारा, लेकिन हमें जब फ्रेज को रिप्लेसमेंट करना होता तो बेटर वर्ड हमें चाहिए वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारा आंसर गलत है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रेज को रिप्लेस करना है, तो दैट्स वाई वी हैव टू गिव मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। तो मोर एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे क्या होगा हमारा, केयरफुली होगा जी। केयरलेसली तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर लर्न ही कर लिया लेसन को तो केयरलेसली तो करेगा नहीं वो। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही इंसिस्टेड टू गो विद मी। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये हम लोग कह सकते हैं प्रीपोजिशन बेस्ड भी है। अब समझने वाली बात इसके अंदर जो इंसिस्ट वर्ड है, पहले इसको समझते हैं हम लोग, फिर आप आगे कर पाओगे। जो इंसिस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप स्ट्रेस दे रहे हो, जोर डाल रहे हो, ठीक। इंसिस्ट करना मतलब किसी के ऊपर स्ट्रेस करना, और जिस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते हो ना वो चीज़ कोई वहाँ पे टॉपिक होती है, कोई टॉपिक या मैटर ही होती है, कोई इश्यू होता है, ठीक है जी। अब होता है क्या है, टॉपिक या मैटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे इंग्लिश में एक प्रीपोजिशन होती है, वो होती है ऑन। तो दैट्स वाई इंसिस्ट जहाँ पर भी यूज होगा हमारा, उसके बाद आप लोगों को प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी ऑन, ना कि अपॉन। ये बात ध्यान रखना, ऑन और अपॉन में डिफरेंस होता है, ये नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे एक बात तो ध्यान रखना कि इंसिस्ट के बाद ऑन प्रीपोजिशन लगती है वो टॉपिक या मैटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा टू तो गलत हो ही जाएगा ये, क्योंकि इन्फिनिटिव नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, एग्रीड टू गो और इंसिस्टेड दैट ही शुड गो। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे ए ऑप्शन भी सही है हमारा और बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ए ऑप्शन का मतलब एग्रीड टू गो वो भी ओके है, और इंसिस्टेड दैट ही शुड गो वो भी ओके है। अब होता है क्या इसके अंदर, कि जो इंसिस्ट वाला क्वेश्चन था तो हमें इंसिस्ट में ठीक करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट आंसर ही हमें मार्क करना होता है, ठीक है जी। एक सेकेंड, तो जो हमारा ऑप्शन बचा है ना वो हमें बी ही लगाना पड़ेगा। अब होता है क्या, कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे ऑन तो फॉलो हुआ नहीं सर। अब ऑन के बाद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ही तो रखना होता है। अब जो दैट क्लोज हम लोगों ने लिखी, ये दैट क्लोज ही एक्चुअल में यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो क्लोजेज होती हैं हमारी वो नाउन क्लोज भी होती है। अगर कोई भी चीज़ नाउन बन गई तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनी सकती है। तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ई ऑप्शन गलत नहीं है जी, थोड़ा ऑप्शन को बदलना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हमारा बी है जी। आगे बढ़ते हैं। द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डॉव्स आर मीट बर्ड्स। जो हॉक उनको रखने वाला है उसने कहा कि जो पिजन्स और डॉव्स होते हैं वो मीट बर्ड्स होते हैं। अब देखो मीट बर्ड्स का मतलब हो गया ऐसे बर्ड्स जिनको मीट के लिए यूज किया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई,
कि जो पिजन्स होते हैं एक्चुअली में वो ऐसे बर्ड होते हैं जो तो दब्बू टाइप के होते हैं। दब्बू का मतलब होता है वो ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं है, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनका। तो इसमें जो तो मीट है वो तो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, मतलब हमारा नो इम्प्रूवमेंट आंसर रहेगा। मीट बर्ड का मतलब वर्ड से मिलना है, ये तो वैसे ही गलत है हमारा। वीक, हम लोग उनकी स्ट्रेंथ को भी नहीं जान पा रहे कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, तो ये भी नहीं होगा। अब मीक वर्ड जो है ना, मीक वर्ड का मतलब ही होता है सबमिसिव। बोलना जरा एक बार, सबमिसिव। अब सबमिसिव का मतलब होता है SUBMISSIV, सबमिसिव। इसके अंदर स्पेलिंग पूरी आ नहीं पाई। सबमिसिव का मतलब दब्बू टाइप में, ठीक है जी। तो हमारा आंसर एक्चुअली में बी बनेगा यहाँ पे, मीक बर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो, अगर मैं इंग्लिश के पर्पज से सेंटेंस को ठीक करूँ तो सेंटेंस तो ओके है जी, सेंटेंस में नो एरर है। क्योंकि होता क्या है, इसमें जो एरर बनेगा वो बिटवीन से बनेगा एरर। बिटवीन और अमंग हमारी दो प्रिपोजिशंस होती हैं जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब होता क्या है, जो हमारी ऑक्सफोर्ड फॉलो करती है वो ये कहती है कि जो बिटवीन होता है वो जब भी यूज होगा इंडिविजुअल रेफरेंस में यूज होगा। इंडिविजुअल रेफरेंस का मतलब होता है जब आपके सामने जो नंबर गिवन हो वो डेफिनेट हो, तो बिटवीन यूज कर सकते हो आप लोग वहाँ पे। अगर वो नंबर इनडेफिनेट है तो वहाँ पे अमंग यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, मैंने एक तो लिखा है टू बॉयज़ और एक मैंने लिखा बॉयज़। अब इनमें जो नंबर का जो डिफरेंस आया, ये जो नंबर है टू बॉयज़ ये डेफिनेट नंबर है, लेकिन जो बॉयज़ लिखा वो इनडेफिनेट है कि वी डोंट नो हाउ मैनी बॉयज़ देयर, कि कितने बॉयज़ हमारे वहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी नंबर डेफिनेट होता है तो बिटवीन लेता है, अगर नंबर इनडेफिनेट है तो क्या लेगा, अमंग लेगा। लेकिन जो एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन इस बात को नहीं मानती, वो ये मानती है कि अगर दो बंदों के बीच में बात है तो बिटवीन लेंगे हम लोग, और मोर देन दो की बात है तो वहाँ पे अमंग लेंगे हम लोग। तो हमें तो नंबर लेना है जी, PhD तो नहीं करनी है हम लोगों को इंग्लिश में, तो दैट्स वाई वी यूज हेयर अमंग इंस्टेड ऑफ बिटवीन, ठीक है जी। तो बी पार्ट में रहा था। 8 में आते हैं। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड द स्कूल्स बिल्डिंग। अब जो ये 8th क्वेश्चन, ये भी हमारा प्रीपोजिशन बेस्ड है। जो बिसाइड हमारा वर्ड है, ये दो वर्ड होते हैं हमारे एक जैसे, एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। देखो जिन्होंने क्लास लगाई होगी, मैंने जो प्रीपोजिशन करवाया है एक्चुअली में मीनिंग से कभी आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। मीनिंग का मतलब हो गया हिंदी बनाना, ठीक है जी। क्योंकि जब हम हिंदी बनाते हैं तो हमारा वहाँ पे कंटेक्स्ट क्लियर होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन कर रहा है हम लोग हिंदी भी वही बनाते हैं। तो मैं जस्ट कहता हूँ कि आप लोग सेंटेंस को समझा करो, और कंटेक्स्ट मेन चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर। जब कंटेक्स्ट को समझने की आपकी आदत हो जाएगी ना, तो इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी वहाँ से। तो होता क्या, जो बिसाइड और बिसाइड दो वर्ड हैं इनका मीनिंग एक बार डिस्कस करता हूँ। जो बिसाइड ये वाला वर्ड है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, किसी चीज़ को इंक्लूड करके आप बात कर रहे हो। और जो ये बिसाइड होता है विदाउट एस वाला, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। और इसका यूज हम तब करते हैं सेंटेंस में जब हमें वेयर का रिप्लाई करना होता है। वेयर मीन्स वी वॉन्ट टू गिव देयर प्लेस, प्लेस को रेफरेंस हमें करनी है वहाँ पे। तो सेंटेंस में अगर देखें तो बॉयज़ वर प्लेइंग, बॉयज़ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, हमें यहाँ पे सेंटेंस में वेयर का रिप्लाई करना है जी। तो वेयर का रिप्लाई में तो बिसाइड्स आता ही नहीं, ये तो इंक्लूडिंग मीनिंग देता है, तो दैट्स वाई वी यूज हेयर बिसाइड, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। कि हर एक बंदे को जो लड़का है उसको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा इस इवनिंग तक, ठीक है जी। अब होता क्या है, जो एवरी वर्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। और जब भी कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो होती है, जनरली वो उस चीज़ को सिंगुलर बनाती है, और एवरी उनमें से एक है। तो एवरी बॉय का मतलब हम लोग सिंगुलैरिटी के रेफरेंस होगी यहाँ से, एवरी सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई हैज, ठीक है जी। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ही वाज कन्विक्टेड डैश द मैन स्लॉटर। कन्विक्टेड का मतलब होता है किसी को मतलब बंदी बना लेना, ठीक है जी। अब उसने मैन स्लॉटर का मतलब हो गया, उसने शायद बंदों की हत्या कर दी, उनको काट पीट दिया, इसलिए उसको बंदी बना लिया गया है। अब होता क्या, इस केस में आप लोगों ने एक वर्ड सुना हुआ अक्यूज, वहीं से समझाता हूँ आप लोगों को। अभी जो कन्विक्टेड वर्ड है, अक्यूज वर्ड है, इनके साथ प्रिपोजिशन फॉलो होती ऑफ। और मैंने आपको क्लासेस में ही बताया कि कोई भी प्रिपोजिशन फिक्स नहीं होती है,
वो पार्टिकुलर रिलेशन दिखाने के लिए वो प्रीपोजिशन वहाँ पे यूज होती है। अब यहाँ पे जो ऑफ यूज है ना, ऑफ का मीनिंग यहाँ पे थ्रू का है, कि ऐसा कौन सा रीजन था कि उनको कन्विट कर लिया गया, वो मैन स्लॉटर, कि क्योंकि वो मैन स्लॉटर को परफॉर्म कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने उन लोगों को क्या कर लिया गया, कन्विट कर लिया गया। जब ये मीनिंग क्लियर हो जाएंगे ना हम लोगों को कि ऑफ का मीनिंग कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या कंटेक्स्ट होता है, तो प्रीपोजिशन बहुत ईजी हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा है कि इन का मतलब मे होता है, फॉर का मतलब के लिए, ऑफ का मतलब का के की। जब हम लोग मतलब मीनिंग से हम चीज़ों को सीखने लग जाते हैं ना, तब वो हमारे एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फंडा यही होता है कि आप लोग कंटेक्स्ट को समझा करें और वहाँ से चीज़ें और आसान हो जाएंगी जी। तो और तो कोई प्रीपोजिशन बनेगी नहीं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आएगा जो आएगा ऑफ। आगे बढ़ते हैं। सोनिया डिसलाइक्ड ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट। अब देखो समझने वाली बात ये है, जो द है वो यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आए हैं, नाउन के लिए, ठीक है। और सभी को पता जो द आर्टिकल है वो डिटर्मिनर होते हैं हमारे। अब डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एक ही केस आ सकता है, वो आएगा एडजेक्टिव। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो हमें फोर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एडजेक्टिव वर्ड ढूंढना है। और सभी को पता है नॉइज तो नाउन होता है, तो वर्ड क्या बनेगा हमारा, नॉइजी। नॉइजली एडवर्ब होगा हमारा, नॉइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नॉइजफुल वर्ड होता नहीं हमारा, ठीक है जी। वर्ड होता नहीं का मतलब यूज़ नहीं करते इसको हम लोग, ठीक है। तो नॉइजी हमारा राइट आंसर रहेगा। 12, देयर इज अ सिनेमा नियर द स्टेशन डैश। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है ये है क्वेश्चन टैग से, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। होता क्या है, जब देर से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, तो जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो भी देर ही बनाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि इनडायरेक्ट रेफरेंस होती प्लेस की, तो देर ही लगाना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन में देर, और वो क्या बनेगा हमारा, इजेंट देयर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हमें शायद इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है ऐसा जो बातूनी होता है, कोई भी जनरली गर्ल्स को कहते हैं, लेकिन आजकल बॉयज़ भी कम नहीं है। तो गैरुलस का हमें सिनोनिम बताना है, कॉन्फिडेंट तो नहीं होगा जी, ठीक है। टॉकेटिव इसका मतलब होगा जो टॉक में एक्टिव हो, तो यही हमारा आंसर है। क्रिल्सम का मतलब जो झगड़ालू हो, जो झगड़े करता हो, फाइटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हो, ये आंसर नहीं हमारा। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी बात को मतलब क्लियरली बता देना, प्रनाउंस क्लियरली, किसी बात को साफ साफ शब्दों में कह देना, वो आर्टिकुलेट करना होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। 14 है अल्टरनेटिव। देखो दो वर्ड होते हैं, अल्टरनेटिव और एक अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है डे बाई डे, मतलब विद फिक्स फ्रीक्वेंसी, एक के बाद दूसरा, अल्टरनेट, अल्टरनेट डेज पे मिलेंगे हम लोग। लेकिन जो अल्टरनेटिव है उसका मतलब होता कोई ऑप्शन, आपके सामने कोई ऑप्शन होना, आपके पास कोई ऑप्शन होना। और हमें अगर सिनोनिम बताना है तो क्या बताएंगे हम लोग, चॉइस ही बताएंगे यहाँ पे। अब देखो मुझे ये नहीं पता कि इसका सिनोनिम बताना है एंटोनिम, क्योंकि वो गिवन नहीं है। अगर सिनोनिम बताना है तो हमारा क्या बनेगा, चॉइस, अल्टरनेटिव की चॉइस होता है हमारा। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन, अगर एंटोनी बताना है तो बेसिकली हमारा वैरायटी बन सकता है कि मैनी, मैनी ऑप्शन होते हैं इसमें वैरायटी में, ठीक है। तो वो हमें गिवन नहीं है कि एंटोनी बताना है, सिनोनिम बताना है, तो ए और सी में ही होगा। चेंज का मतलब सभी को पता है, जो बार्टर वर्ड है ना, बार्टर, ये हमारा पहले यूज होता था, बार्टर सिस्टम, जो हमारा हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बार्टर सिस्टम नाम की एक चीज़ थी। उसके अंदर क्या करते थे हम लोग, मनी का यूज़ नहीं करते थे चीज़ों को लेन देन में। मान लो होता क्या था पहले, अगर किसी की जगह संतरे ज़्यादा होते हैं और कहीं पे सेब ज़्यादा होते हैं, तो अगर सेब वालों को संतरे खाने हैं तो वो सेब दे के संतरे ले लेते थे। तो ये जो लेन देन था इसी को बोलते थे बार्टर सिस्टम हम लोग, जहाँ पे मनी का यूज़ ना हो जी, ठीक है। तो आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेना। ईडियम हमें बताना है, चीक बाय जोल। अब देखो चीक बाय जोल हमारा जो ईडियम है इसका मतलब क्लोज टुगेदर होता है, जो हमारे जो चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, जो जबड़ा होता है, उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, एक दूसरे जुड़े होते हैं। तो हमें आंसर क्या निकाला है, बोले क्लोज टुगेदर। बाकी ऑप्शन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही ही ऑप्शन रहेगा हमारा। टू गिव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को डिसरिगार्ड कर देना, डिसरिगार्ड का मतलब उसको नेगलेक्ट कर देना, उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। अब जो ये वर्ड ही लिखा, ये वर्ड ही गलत लिख देना, इसका मतलब अब्यूज़ होना चाहिए था। अब्यूज़ का मतलब किसी को गाली देना, नहीं बनेगा। ये वैसे गलत लिख रखा क्रूज, ये क्रस पता नहीं क्या वर्ड है, ये होता ही नहीं है, या तो ये वर्ड होना चाहिए क्रस इस टाइप का, या ये वर्ड होना चाहिए क्रूज, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, क्रूजर होती ना, क्रूजर वैसे से बनता है हमारा क्रूजर। तो दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे। अब जो हम लोगों को ऑप्शन मिला, टू बी अनफ्रेंडली, ये हो सकता है आंसर हमारा, कि किसी से अनफ्रेंडली बिहेव करना, किसी को डिसरिगार्ड कर देना, तो दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
पैसिव एक्टिविटीज हमें करना है. दे मेड हिम द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब. अब देखो एक्चुअल में इसमें सेंटेंस में एरर है, द आर्टिकल नहीं आ गया यहाँ पे, बिकॉज प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब इज़ द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ हिम, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डजेंट टेक एनी डिटर्मिनर. मतलब हम वहाँ पे आर्टिकल या कोई डिटर्मिनर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो रेफर करना होता है वो हिम को रेफर करना होता है. चलो क्वेश्चन में मिला हम लोगों को तो करते हैं. अब एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे दुद्दई है वो सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. हमें एक्टिव पैसिव इन्हीं से करना है. अब ये हमारा एक्टिव है क्योंकि काम देने किया है. अब हमें पैसिव बनाना है. पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो नो डूअर चाहिए, वो तो काम करेगा नहीं हमारा. नो डूअर के सेंस में हमें पता लगा कि ही से हमारा सेंटेंस बनेगा. अब ही से किस कौन से में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, आंसर हमारा क्या बनेगा, ए. ही वॉज मेड द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब बाई देम. बाकी टेंस से भी कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट का जो पैसिव बनता है वो जी अवर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है. तो हमारा ए ही ऑप्शन राइट आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. नरेशन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको. सी आस्क्ड मी हाउ इज़ योर फादर. ये डायरेक्ट नरेशन है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है इसको. अब इनडायरेक्ट में हमें पता है अगर हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें कंजंक्शन लगाने की जरूरत होती नहीं, तो हमें हाउ से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सॉरी कनेक्ट करना पड़ेगा. तो हाउ तो सभी में यूज हुआ है, लेकिन समझने वाली बात है कि हाउ जो है वो कंजंक्शन है. अब जो सी में आप लोगों ने हाउ के बाद तुरंत बाद वॉज यूज कर लिया, वहाँ पे तो क्वेश्चन ही बना दिया, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं हमारा. टेंस चेंज करना पड़ेगा, इज यहाँ पे वॉज करना पड़ेगा, तो डी आंसर कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि पास्ट टेंस में बात है ना, तो टेंस पास्ट ही होना चाहिए. अब अकेला फादर लिखा लेकिन यहाँ पे योर फादर है, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो आंसर हमारे के पास क्या बचा, बी. देखो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो आपको सही आंसर पता हो तो डायरेक्ट वहीं पे मार करके आगे निकल जाओगे, या एक ऑप्शन होता है कि हम लोग गलत आंसर को ढूंढ ले, रॉन्ग जो जो हैं उनको अगर ढूंढ लोगे आप लोग तो बाय डिफॉल्ट राइट आंसर ही अपने आप बच जाता है वहाँ पे. ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिकली वो एक पैराग्राफ है, पैसेज बेस्ड है. आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं. बहुत ईजी है, ठीक है, पढ़ते हैं एक बार. द मोस्ट फ्राइटनिंग एस्पेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज दैट इट इज़ लाइकली टू कोज परमानेंट ब्रेन डैमेज. अभी कह रहा है कि जो मोस्ट फ्राइटनिंग, मोस्ट मतलब जो ज़्यादा डराने वाला एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मतलब पहलू इस मेल न्यूट्रिशन का. मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अच्छा खान पान न होना, अच्छी चीज़ें मतलब खान पान का अच्छा ना होना, विटामिन की कमी होना वगैरह वगैरह. वो इसका जो डराने वाला एस्पेक्ट है वो क्या है कि इट इज़ लाइकली टू कोज, ये कोज कर सकता है ब्रेन डैमेज, कोज परमानेंट ब्रेन डैमेज. मतलब अगर अच्छे से अच्छे तरीके से खान पान ना किया जाए तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है जी. आगे कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया गया है, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया है, कैरिड आउट फ्रेजल अभी यहाँ पे ओन एनिमल्स, वो एनिमल्स पे किया गया एक्सपेरिमेंट है. वो सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि जो ब्रेन डैमेज होता है किसके कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण, इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब हो गया, मान लो अगर किसी को परमानेंट डैमेज हो गया तो उसको वापस नॉर्मल कंडीशन नहीं आ सकती वो, ठीक है, वो परमानेंट डैमेज ही हो जाएगा, फिर वो पागल ही हो जाएगा बंदा. दिस मे नॉट बी ट्रू ऑफ ह्यूमन बींग्स, शायद ये ह्यूमन बींग्स पे काम ना कर पाए, मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ ना भी हो. नेवर डज, लेकिन फिर भी, नोज फैक्ट एज वेल एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट कंडक्टेड सो फार. लेकिन अगर फैक्ट्स को देखें या जाने उनको, जो अब तक के रिजल्ट्स आए हमारे सामने आए हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं अलार्मिंग कंक्लूजन को. अलार्मिंग कंक्लूजन का मतलब हो गया, जो कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट्स, जो रिजल्ट है वो अलार्मिंग है. अलार्मिंग मतलब सावधानी देने वाले हैं, कि सतर्क करने वाले हैं, अलार्म करने वाले हैं, वो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम उनको. द ह्यूमन ब्रेन ग्रोज वेरी फास्ट 3 months बिफोर इट्स बर्थ. मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उससे 3 महीने पहले जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है. आगे कह रहे हैं कि द चाइल्ड्स ब्रेन वेज 1/4 अडल्ट ब्रेन. मतलब उस टाइम पे जो चाइल्ड का ब्रेन होता है वो 1/4 होता है अडल्ट के ब्रेन के. अडल्ट मतलब जो मतलब हमारे जैसे जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो चाइल्डहुड के बात नहीं करते. इन 1 year द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज ऑलरेडी 66% ऑफ द वेट ऑफ द अडल्ट ब्रेन. लेकिन एक साल में वो 66% हो जाता है अडल्ट ब्रेन का. एट 4 years द ब्रेन वेज 99% एंड 88. जब वो 8 साल का हो जाएगा, 4 साल में तो 99 हो गया, 8 साल में क्या हो जाएगा, फुल बिल्कुल अपना फुली डेवलप हो जाएगा अडल्ट ब्रेन की तरह, ठीक है. देर इज़ नो फर्दर इंक्रीज. अब आगे डेवलप कैसे होगा, वो 8 साल तक तो डेवलप हो ही गया, क्योंकि मान लो अगर कोई बंदा 8 साल तक नहीं पढ़ पा रहा, मतलब डेवलप नहीं हो पाया ब्रेन, तो आगे वो ठीक नहीं होता, ठीक है. क्वाइट ऑब्वियसली ये चीज़ तो साफ ही है,
द फर्स्ट फोर ईयर्स आर क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ये बात तो साफ हो गई कि जो पहले 4 साल होते हैं वो क्रूशल होते हैं, क्रूशल मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं वो किसके लिए, डेवलपमेंट की, वो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है जी। एंड इट, सॉरी यहाँ पे इट नहीं आएगा शायद, मेरे को लगा इफ आएगा यहाँ पे, ठीक है पता नहीं। इफ द ब्रेन, इफ द चाइल्ड सफर फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, अगर चाइल्ड जो हमारा वो मेलन्यूट्रिशन से सफ़र करता है, द डैमेज टू द ब्रेन मे बी परमानेंट, तो उसका जो डैमेज हो सकता है वो परमानेंट हो सकता है जी वहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटेंस था बेसिकली, इसमें मेलन्यूट्रिशन के बारे में बात की है, उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, और थोड़ा कंपैरिजन किया है एडल्ट ब्रेन से, यही हमारा टोटली सार इसका। अब पढ़ते हैं 19 क्वेश्चन। अ गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल इन द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ बिकॉज, ये कह रहा है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल मीन ज़रूरी, इन द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड, जब चाइल्ड के 4 साल होते हैं उसकी ज़िंदगी में। बिकॉज क्यों, अब हमें पढ़ना है, क्योंकि 4 साल में उसका साइज अडल्ट जैसा हो जाता है, नहीं यार ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है। एट द 4 ईयर्स ब्रेन इज फुली डेवलप्ड, ये हो सकता है कि 4 साल तक हमें क्यों देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन तब तक फुली डेवलप हो जाता है, शायद इसको कॉर्नर में रखते हैं हम लोग। एट 4 ईयर्स देर इज़ नो फर्दर इंक्रीज ऑफ ब्रेन, अब इसके बारे में नहीं बात करेंगे, क्यों, देखो होता क्या है, हम लोगों को बेसिकली क्वेश्चन ये मिला कि 4 साल तक, 4 साल के बीच में गुड न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है। एक तो ऑप्शन हमारे पास सीधा आया कि आगे इंक्रीज नहीं होगा इसलिए ज़रूरी है, या इसलिए ज़रूरी है कि 4 सालों में ही ब्रेन फुली डेवलप होता है, तो रीज़न इज़ बी, क्योंकि फुली डेवलप में हमें करना है उसको, तो इसलिए ज़रूरी है एसेंशियल हमें न्यूट्रिशन को देना। ये तो 99% वाला क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया, तो दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन की सेंस आपको पकड़नी पड़ेगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है वहाँ पे, ठीक है जी, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं द थीम ऑफ द पैसेज। देखो कई बच्चे इस क्वेश्चन से थोड़ा डरते हैं कि थीम क्या निकलेगी, बिल्कुल क्लियरली बता रखा है इसने, ऐसा तो नहीं बताया कि परमानेंट ही हो जाएगा ब्रेन डैमेज, नहीं ऐसी बात नहीं है। ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ग्रोथ के बारे में नहीं बताया कि ऐसे में ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा, एक्चुअली में ये बताया गया मेलन न्यूट्रिशन और उसके इफेक्ट क्या है, क्योंकि जो मेन हमारा हेडिंग है या जो फर्स्ट की जो 2 लाइनें हैं उनके अंदर पे जो जिक्र किया गया वो मेलन न्यूट्रिशन का किया गया है। अगर किसी पैसेज की स्टार्टिंग ही ऐसे हुई कि मेलन न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं तो थीम भी वही रहेगी उसकी, तो दैट्स वाई इज द राइट आंसर हमारा। तो फ्रेंड्स ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, इनको समझा भी होगा। देखो मैं कहता हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता, अब आप लोगों को जब ये वीडियो देखोगे तो कोई भी अगर आप लोगों को सजेशन हो कि सर इसके अंदर ये दिक्कत रह गई या कुछ भी ऐसा जो आगे वाली वीडियोस में मैं इम्प्रूव कर सकूँ, तो आप लोगों का जो कमेंट होगा वो मोस्ट वेलकम होगा जी, ठीक है जी। हम ऐसे ही जो संडे को पेपर होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे, बाकी आज की जो वीडियो हम लोगों ने बनाई है इसका फीडबैक ज़रूर देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि फीडबैक से ही मान लो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बनाने वाले को। तो यही मेरी कामना आप लोगों से, कामना का मतलब होगा मैं आप लोगों से इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आप लोग फीडबैक दोगे या जो कुछ भी आप लोगों को समझ में आ जो बताओगे, इससे क्या होता है सामने वाले को भी पता लगता है कि सामने वाले को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।